मिट्टी मेरी छोटी सी शरारती कल फ्रिज में क्या किया, क्या किया है? अभी दिखाती हूँ क्या किया। जब इनको रात को नींद नहीं आती ना, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी शॉप बनाते हैं, और वो भी कहाँ, यहाँ। So hey guys, good morning. So this is day two in Mashobra. Right, we are in Mashobra. कल मैंने suspense रखा था अपने ब्लॉग में और आप लोगों ने comment करके बताना था, but मुझे एक बात का बहुत बुरा लग रहा है, कल मेरे laptop का display जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से अब मेरे routine में जो है वो daily vlogs नहीं आ रहे। अभी जब मैं वापस फरीदाबाद जाऊंगी तभी अपने व्लॉग्स जो हैं वो मैं अपलोड कर पाऊंगी, चेक करूंगी कि क्या प्रॉब्लम आई है मेरे लैपटॉप में। तो अभी व्लॉग्स तो मेरे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बट यस मैं शूट कर रही हूँ और शॉर्ट्स भी मेरी जा रही हैं मेरे चैनल पे, शॉर्ट्स तो मैं डाल रही हूँ। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है, पता नहीं लैपटॉप कैसे एकदम से ख़राब हो गया, मैं लाई थी अपने साथ और रास्ते में मेरी डिस्प्ले टूट गई। तो आज सेकेंड डे है हमारा मशोबरा में, तो बट देखते हैं होटल ही एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, क्योंकि कल भी हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था होटल, क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। 5:15 को निकले थे फरीदाबाद से, और बाय रोड हमें यहाँ पे पहुँचने में, हम लोग यहाँ पहुँचे थे 4:45 के अराउंड पहुँचे थे, मतलब पूरे 12 घंटे लग गए, बस ये समझ लो अप्रॉक्स 12 घंटे का सफ़र, वो भी बच्चों के साथ बाय रोड, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिला था हमें रास्ते में। शिमला में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो हुआ, चंडीगढ़ में भी थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था जिसकी वजह से हम लेट हो गए थे। तो अभी आज का कुछ ऐसा प्लान है कि अभी बच्चे तो सो रहे हैं और मैं उठ गई थी जल्दी, तो अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे करना है, क्या किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं होटल को। तो आप बने रहिएगा और मेरे व्लॉग्स जो है वो 2-3 दिन बाद आएंगे, ऐसे रहने वाला है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि मैं डेली नहीं डाल पा रही, लेकिन फिर भी वेदर की अगर बात करें तो रात को यहाँ ठंड हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, रात को ठंड थी यहाँ पे, और अभी सुबह तो पूरी फुल ऑन धूप निकली हुई है। और अभी ब्रेकफास्ट करके आते हैं और लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। सो गाइस, बच्चे तो अभी उठे हैं नहीं और मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। अब इस कॉफ़ी में जो ट्विस्ट है वो ये हो चुका है, कल एक्चुअली हमने आते ही कैटल में बनाई थी मैगी, और होटल में आए और कैटल में मैगी ना बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, और बच्चे कहाँ टिकते हैं फिर। तो हमने मैगी बना तो ली, मैंने वॉश भी किया बहुत अच्छे से, बट अब उसमें हल्की सी मैगी की स्मेल तो देखो है, और इस कॉफ़ी में भी मैगी की स्मेल आ चुकी है। अब ये ना अब पीनी तो पड़ेगी, बट इट्स ओके, मैगी फ्लेवर वाली कॉफ़ी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब इतना कोई सुपर टेस्ट नहीं आ रहा, बट हाँ हमें पता है तो लग रहा है वहम है, अदरवाइज़ किसी और को पिलाएंगे तो उन्हें फील नहीं होगा कि ऐसा कुछ है, बट हाँ कैटल में से तो मैगी की स्मेल आ रही थी। तो यार अब देखो इतना सारा सामान मैं घर से उठा के लाई हूँ, वॉफल मेकर और मैगी और ये सब चीज़ें हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो ट्राई करवाना चाहिए ना, उनको भूख लग जाती है कभी भी, ऐसे टाइम पे भूख लग जाती है जब कुछ अवेलेबल नहीं होता, तो जुगाड़ रखने पड़ते हैं हमें। तो अब इंजॉय करते हैं कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग दर्श, मस्ती वाला दिन आ गया, क्या मस्ती करनी है फिर आज। रूम की हालत देखो क्या कर रखे, सब नीचे फेंक दिया सोने के चक्कर में है। हमने मंगाई थी गाइस एक्स्ट्रा बेडिंग क्योंकि हमें नीड थी, तो मैं और बच्चे उस बेड पे सोए थे और गौरव इस बेड पे सोए थे। तो अब ये मार्शा जी उठ गए हैं, क्या मस्ती वाला दिन आ गया,
कहाँ जाएगा? गेमिंग जोन जाएगा। अच्छा जी, और स्विमिंग पूल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो किसी और होटल में चला जाऊंगा। अरे वाह, ये लो जी। एक्चुअली हम लोग प्लान करके आए थे कि यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा तो हम स्विमिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे स्विमिंग पूल इस होटल में तो नहीं है, क्योंकि जब हम चैल में गए थे तो हम सेम इसी होटल में गए थे तो वहाँ पे स्विमिंग पूल था, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना कम नहीं होता। यहाँ का थोड़ा सा और हाइट पे है ये, मतलब ये लगा लो आप शिमला से 15 किलोमीटर ऊपर जाके अगर है तो यहाँ का टेम्परेचर कम रहने की वजह से यहाँ पे स्विमिंग पूल का ऑप्शन नहीं है। हम अपना सामान तो लाए थे बट ठंडी है तो मतलब चल जाएगा काम। तो अभी लेट्स सी आज हम क्या क्या इंजॉय करते हैं। यूवी, ओए मेरी मिठू, छोटी मिठू, यूवी हम जा रहे हैं, चलो हम मजे करने जा रहे हैं, हम तो मस्ती करने जा रहे हैं, हमें तो मस्ती करनी होगी, यूवी को नहीं करनी होगी। नहीं यूवी ने, गुड मॉर्निंग, जग हो गया, हंस रहा है, हंस रहा है, मुझे पता चल गया, मुझे नोनू को पता चल गया तू हंस रहा है। मिठी मेरी छोटी सी शरारती, कल फ्रिज में क्या किया, क्या किया है, अभी दिखाती हूँ क्या किया। जब इनको रात को नींद नहीं आती ना तो ये क्या करते हैं, ये अपनी शॉप बनाते हैं, और वो भी कहाँ, यहाँ सी फ्रिज। ओ राम, कितनी ठंडी हो गई है, मेटल वाली का क्या था ये, क्या था मतलब, क्या किया ये रात को आपने, हे भगवान, ऑल मैंने नोटी, टाइम पास करने का इनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, राइट। वैसे भी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि टाइम होने वाला है, बच्चे लेट उठे हैं, तो पहले ब्रेकफास्ट कराते हैं, फिर नहा धोके हो जाएंगे रेडी और मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। चलो मेरे साथ ही हो बेटा, चलो कर लिया है, और एक एक आइटम लिटरली बता रही हूँ, डिनर वॉज ऑसम और ब्रेकफास्ट भी बहुत ही अमेजिंग था। और अभी कुछ आउटिंग का तो कोई प्लान नहीं है, बट होगा तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। और अभी देखते हैं क्या करना है, बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो अपना घूमने फिरने में बिजी हो गए हैं फिर से, अभी प्ले एरिया चलते हैं, पहले देखते हैं प्ले एरिया का क्या स्टेटस है,
और फिर देखेंगे कि क्या करना है। सो लेट्स गो। दर्श वर्मा क्या करके आए हो ऊपर? क्लीनिंग कर रहे थे, क्लीनिंग में डायरेक्ट गए थे ना। करने दिए तुमने क्लीनिंग? हाँ कर रहे हैं। ऊपर यूवी आप क्या करके आए ऊपर? क्या कर रहे थे? तो प्ले एरिया में नहीं गए? प्ले एरिया में करके क्या आए हो? मम्मी देखो मैंने बाइक चलाई, भैया को भी था और भैया बाइक चलाई, मैंने भी बाइक चलाई। मजा आया? मैंने कार चलाई थी भैया ने। भैया जीत गया था? ये वाला भैया जीता, ये वाला भैया। मैं तो बाइक चला, सुन 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 सुन। ये बाइक चलाने का तरीका है, सुसु करने का तरीका है। सुन 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 सुन। मैं ऊपर चलो, मेरे को खेलनी है, पेड़ है सारे गेम। चलो आ रही बेटा, आ रही। आ रही हूँ। अरे यार दिखाओ। अच्छा ओके। हाँ करते हैं। ये एरिया काफी अच्छा बनाया हुआ है, मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। और ये है हमारा ये छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया है, और यहाँ पे छोटे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। उनको सिर्फ इतना ही चाहिए होता है यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्लाइड्स हैं, बॉलिंग पूल है हमारा, और यहाँ पे आप चढ़े थे ऊपर? हाँ। क्लाइम किया था आपने? फिर और ये भी काफी अच्छा एरिया है। One more time.